हेलो फ्रेंड्स, मैं सिया अग्रवाल और मैं 10 इयर्स की हूं और 6th क्लास में पढ़ती हूं। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं। इस कहानी का शीर्षक है क्रोध के जख्म। एक लड़का था, उसे बहुत गुस्सा आता था। उसके पापा बोले और मम्मी उसको बहुत समझाती थी कि बेटा गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। वो तो मानता ही नहीं था, बहुत गुस्सा करता था। तो एक दिन उसके पापा ने तरकीब लगाई। वो तरकीब क्या थी ये जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन उसके पापा बहुत सारे खीर ले आए और उसके पापा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम हर जब भी तुम्हें गुस्सा आए ये खीर दीवार पे ठोक देना। तो फिर उसने कहा ठीक है पापा। उसको पहले दिन बहुत गुस्सा आया, उसने 50 कीले ठोक दी। फिर दूसरे दिन ऐसे ही करते करते उसने 30, 15, 22 ऐसे करते करते उसका गुस्सा एक दिन खत्म हो गया। फिर वो अपने पापा के पास गया और बोला पापा पापा मेरा गुस्सा खत्म हो गया। तो पापा बोले ये वेरी गुड। फिर पापा ने कहा कि तुम्हें हर दिन एक कील निकाल ली है। तो बोला ठीक है। बहुत सारी कीले उसने ठोकी थी ना, तो बहुत समय लग गया, उसे लंबा समय लग गया। उसने एक दिन एक कील निकाली, एक दिन एक, तो सर बहुत समय लग गया। फिर क्या था, एक दिन उसकी कील आखिरकार निकल ही गई सारी। फिर वो अपने पापा के पास गया और बोला पापा पापा मेरी कील खत्म हो गई, मैंने सारी कीले हटा ली। तो फिर उसके पापा बोले ये। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर गए और बोले कि बेटा देखो यही दीवार पहले जैसी रही। उसके पापा बोले मुझे तो नहीं लगता, और वैसे तो पहले जैसी लगी नहीं है। बोले बिल्कुल सही, तुमने इसमें कील ठोकी तब इसमें घाव पड़ गया और वो घाव इसमें रह गया, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम चाकू से उस कील को हटाने की कोशिश करोगे तो वो कील तो हट जाएगी, लेकिन जो दर्द उसके दिल में बसा हुआ है वो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपके दिल में इतना सा भी चेंज आए ना, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कहानी सफल हुई। और सबसे पहले मैं द विंग्स ऑफ डिजायर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कहानी को सुनाने का मौका दिया। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ कि आप में चेंज आया। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।